आई होप आप सब अच्छे ही होंगे तो फ्रेंड्स आज है दिवाली तो दिवाली के दिन में आप सबको हार्दिक के उपलक्ष्य आप सबको स्वागत है और पूरी यूट्यूब फैमिली को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली और आज दिवाली के लिए तो मतलब शाम का टाइम है तो ये तो ब्लॉग चालू है तो फ्रेंड्स आप लोग अगर जैसे कि अभी तो दिवाली चल रहा है तो सब लोग फटाखा ऐसे लगाते होंगे तो प्लीज़ सेफली आप ये मतलब दिन गुजारे और क्योंकि आज ऐसा तरफ से आप सबको शुभ दीपावली तो दीपावली उपलख्य जो भी मेरे बिहोर से और सब्सक्राइबर है तो जो भी छोटे बच्चे हो मुझसे जो छोटे होंगे आप सबको मेरा प्यार भरा शुभ दीपावली और मुझसे जो बड़े हैं तो उनको मैं यही बोलूँगी कि आज आप लोग की आशीर्वाद मुझे चाहिए तो फ्रेंड्स ये मैं आज का दिन क्या कर रही हूँ और क्या नहीं आप सबको एक एक चीज़ में आपको दिखाऊंगी तो दीपावली उपलख्य जो भी मेरा घर में हो रहा है नॉर्मली जो भी मैं कर रही हूँ तो सिर्फ चीज़ आपको दिखाऊंगी तो फ्रेंड्स देखिए और दिवाली के टाइम में ये दोपहर से मैं ये ब्लॉग स्टार्ट की थी तो दोपहर को मुझे दोपहर से, से रात दस बजे तक तो मेरा काम ऐसे ही चालू था कोई भी काम ऐसा नहीं कि मैं ये कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए और दिया वगैरह जितना मैंने ली थी ना वो सब कुछ मैं कॉलर देने वाली थी कि थोड़ा सा डेकोरेट कर दूँ तो अच्छा लगेगा क्यों तो तो जितना भी दिया था ना वो सब कुछ मैंने डेकोरेट की थी और मैं और कृष्णा दोनों मिल के डेकोरेट कर रहे थे ताकि थोड़ा सा जल्दी हो जाए लेकिन फिर भी जल्दी नहीं हुआ थोड़ा टाइम तो एक दो घंटा तो लग ही गया था क्योंकि एक दो दिया नहीं था और सब दिया लगाते लगाते थोड़ा टाइम ही हो गया था कम से कम दस बारह दिया हम लोग किए थे और आधा डेकोरेट किए थे आधा नॉर्मली ऐसे ही कलर दे दे थे तो बस हम लोग दोपहर से ही शुरू किए थे तो होते होते थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि ये दिया डेकोरेट हो जाएगा तो मैं जितना फूल लेके आई थी तोरण बनाने के लिए वो सब बनाऊंगी और अगर मैं सोचूं कि नहीं शाम को मैं सब कुछ चीज़ करूँगी तो और भी टाइम लगेगा तो उससे अच्छा कि मैं दोपहर से जितना मुझे वक्त मिल रहा है उसी हिसाब से मैं कर लूँ तो फ्रेंड्स अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कैसा लगा और फ्रेंड्स बिना स्किप करे लास्ट तक देखने की कोशिश कीजिए और एक बात आ, दिवाली के टाइम आप लोग मतलब बहुत सारा फटाखा जलाते होंगे तो बी केयरफुल और सेफ से सेफ के साथ ही आप मतलब फटाखा जलाइए क्योंकि बच्चों से तो दूर रखिए ये सब चीज़ और मेरी मेरी मानना ऐसा ही है लेकिन ऐसा होता है ना गेलू अगले साल जैसे कि अगर फटाखा से दूर रहता था लेकिन इस साल इतना मतलब खेलने के लिए हो रहा था लेकिन मैं जितनी कोशिश कर सकती थी कि मैं उससे दूर रखूं उतनी ही रखी और लेकिन बच्चों क्या होता है छोटा मोटा वो जैसे पप्पा वगैरह पक्कन वगैरह वो तो चलाते ही रहते पर इसे बड़ा फटाखा से दूर ही रखी थी मैंने तो मैं अपने हिसाब से मुझे जैसा अच्छा लगा उसी हिसाब से मैंने थोड़ी बहुत कलर कर ही दी थी और गेलू इधर उधर हो रहा था तो उसको सुलाने के लिए मैं बहुत बो, बोली सोची पर वो सोया नहीं था लेकिन थोड़ी देर के बाद थोड़ा सा डाँटी डांट दी तो थोड़ा सा डर के सो गया था और मैं और कृष्णा दोनों मिलके दिया को डेकोरेट कर रहे थे तो बोले कि आप अलग करें और मैं अलग करूंगी तो अलग अलग डिजाइन हो जाएगा तो उसी हिसाब से मैं थोड़ा सा अलग की थी और वो भी अलग किया था तो फूल भी लेके आए थे सुबह बहुत सारा फूल भी था तो उससे तोरण बनाने के लिए तो थोड़ा टाइम लगेगा तो बहुत सारा तोरण क्योंकि भगवान के पास दो लगाना है और बाहर भी एक लगाना है बीच वाला घर में भी एक लगाना है तो ऐसे करते करते बहुत सारा मतलब थोड़ा टाइम लगेगा और सब दिया लगाते लगाते थोड़ा भी मतलब थोड़ा ज़्यादा टाइम हो गया था तो मैं जितना की थी और कृष्णा ने भी थोड़ा बहुत कर ली थी तो उसने कलर थोड़ा जो कलर ख़त्म हो गया था वो कलर को मतलब ऐसे ही नॉर्मली एक ही कलर में वो थोड़ा बहुत बना दी थी पर मैं जितना कोशिश की थी मैं अपने हिसाब से बनाने के लिए तो आप लोग ज़रूर बताइए कि दिया का डेकोरेट कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए क्योंकि सबका अलग अलग मानना है और ऐसे डेकोरेट वाला दिया भी बाहर मिलता ही है पर हमको ये कलर देना शौक़ है मुझे बहुत पसंद है कोई भी ड्राइंग हो या ऐसे कोई डेकोरेट करने के लिए मुझे पसंद है तो मैं वो सोची कि नहीं हम लोग घर पे ही बना देंगे क्योंकि कृष्णा को भी ये सब चीज़ अच्छा लगता है तो उसी हिसाब से हम लोग घर में बना लिए थे इतना हम लोग डेकोरेट किए थे और जो थोड़ा बहुत और जितना था वो सब ना एक ही कलर दे दी थी तो उसके बाद फूल का तोरण बनाना है तो तोरण में पहले एक दो मतलब जैसे कि उसका पता का नाम नहीं और आम का पता में मैं थोड़ी बहुत कर ली थी और जो थोड़ी बहुत है वो बाद में करूँगी और लास्ट में करूँगी लगाने के लिए तो मैं फूल में तोरण में ऐसा है ना फ्रेंड्स पहले मैं जब भी कोई त्यौहार होता है ना तो पहले कोई काम मुझे आता है कि नहीं आता है मुझे नहीं पता लेकिन पहले उस टाइम में पहले तोरण बनाने के लिए बैठ जाती थी तोरण बनाओ और जैसे ही कि रंगोली बनाने के लिए ये सब चीज़ का बहुत ही शौक था पर शादी के बाद ये सब चीज़ उतना मैं नहीं कर पा रही हूँ जितना हो सकता है उतना करती हूँ क्योंकि घर का दूसरी काम भी बहुत जरूरी हो जाता है सबका ध्यान रखना भी जरूरी हो जाता है तो ये काम मेरे हाथ से छूट गया नहीं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शौक डेकोरेट करना है तो तोरण बन गया था तो बाहर भी भगवान के पास भी लगा दी थी और ये तोरण यहाँ बाहर की आंगन जो दरवाज़ा है ना उसमें भी लगा दी थी तो ये दोनों हो गया था फिर नेक्स्ट टाइम फिर आके एक तोरण बनाई थी बीच बार घर में लगाने के लिए तो क्योंकि बहुत सारा सबकी दर सब दरवाज़ा में लगाने और ऐसा होता तो नहीं बाहर डेकोरेट वाला जो दूसरा आता है ना उसे लगाने के लिए मैं सोची थी पर ये मुझे मानना है कि दिवाली हो या कोई भी त्यौहार हो अपने हाथों से घर की कोई भी लक्ष्मी हो अपने हाथों से घर की औरत तो अगर कोई भी चीज़ बना के लगाते हैं ना वो घर के लिए शुभ होता है तो मैं सोची कि एक दिन के लिए सही क्यों ना हो मैं अपने हाथों से जो भी होता है मैं खुद बना के लगाऊँगी और जैसे कि तोरण ऊन से बना हुआ तोरण होता है ना वो सब चीज़ मैं खुद बनाती हूँ पर यहाँ मुझे कोई चीज़ एक चीज़ मिलता है तो दूसरा मुझे नहीं मिलता है और दूसरे के लिए मुझे बाहर भी जाना होता है तो इसीलिए मैं उतना ध्यान नहीं देती हूँ लेकिन मैं सोच रही हूँ कि ये सब चीज़ अभी बनाऊँगी ताकि मुझे जितना भी टाइम मिल रहा है वो सब चीज़ बना के पहले ये सब चीज़ लगाऊंगी तो रंगोली बनाने के लिए वो लाल कलर मिट्टी था ना उसमें और कपड़े से नहीं हाथ से ही मैं उसका मतलब बना देती हूँ ताकि सूख जाए ना उसके ऊपर रंगोली बनाऊंगी शाम को तो ये सब चीज़ है ना हमारा अभी ये महीने के बाद माघासी महीना आने वाला है तो उस टाइम पूरा महीना लक्ष्मी पूजा होता है तो पूरा जैसे कि बुधवार को रात को लगाते हैं गुरुवार को सुबह पूजा होता है तो ये सब चीज़ तो फिर से चालू हो जाएगा तो थोड़ी ग्रोसरी लेके आए थे दिवाली के एक दिन पहले रात को गए थे हम लोग डी मार्ट डी मार्ट से कुछ ग्रोसरी कम मतलब नहीं था ख़त्म हो गया था तो उससे लेके आए थे और फ्रेंड्स मैं ज़्यादातर ग्रोसरी अगर लेके आती हूँ राशन जो भी तो मैं ज़्यादातर डी मार्ट से ही लेके आती हूँ उसका पेपर का देख सकते मैं डी से लेके आती हूँ क्योंकि ये बेडशीट भी थे मतलब नहीं था मैं एक ही बेडशीट ला सकती दूसरा एक ले थी पर उसका जो ऊपर का जो प्राइस है ना वो थोड़ा सा खराब हो गया था जिसकी वजह से उसको रिटर्न करना पड़ा क्योंकि वैसे वो लोग नहीं देते हैं अगर दुकान से लेके आते हैं तो अंदाजा से लगा देते हैं कि हाँ इतना प्राइस है उतना प्राइस है पर डी से या मॉल से लेके आते हो ना वो थोड़ा सा अगर प्राइस ले... क्लियरली दिखाई देता है तो उसी हिसाब से आपको देंगे नहीं तो नहीं देंगे मुझे ये कलर मेरी पसंद का नहीं है कृष्णा के पापा की पसंद है तो वो बोले कि ये कलर मुझे बहुत पसंद आ रहा है तो ये ले जा तो जो भी थोड़ा बहुत ग्रोसरी काम था वो लेके आए थे और जैसे कि खिचड़ी बनाने के लिए मैं दूसरा चावल यूज करती तो एकदम छोटा वाला कच्चा चावल तो उससे भी थोड़ा सा लेके आई थी और जैसे बिरयानी चावल लेके आई थी इंडिया गेट बासमत चावल आप मुझे पता है वो मतलब अच्छा लगता है मतलब उसी की जैसे खुला में मिलता है पर उसी की जैसे ही मतलब उसका टेस्ट आता है और जो चावल है वो भी एकदम दाना दाना वो एकदम पतला और लंबा भी रहता है तो मैं उसी से ही लेके आ जाती हूँ जितना मुझे ग्रोसरी लेना है वो मैं डी से ही लेके आती हूँ और मुझे अगर बीच में एक दो सामान अगर ख़त्म हो जाता है तो पास में मार्केट है उसी में से लेके आती हूँ नहीं तो अगर पूरा महीने के लिए मुझे राशन लेना है तो मैं सूरत से मतलब डी मार्ट से ही आती हूँ और अगर मुझे पास से जो मार्केट है उसी में से लेके आती हूँ ना सिर्फ चावल लेके आती हूँ और कोई चीज़ उतना नहीं लेके आती और दोनों ये जो बैठने वाला है ना ये भी ख़राब हो गया था तो लकड़ी का है उससे मैं उसी में बैठी थी तो वो क्या होता है उठ के अगर कोई काम करने के लिए तुरंत भाग जाती थी ना तो वो मेरी ही पैर में गिर जाता था काम करते करते तो उसके लिए एक लेके आई थी और एक जैसे कि सब्ज़ी वगैरह मतलब काटने के साफ़ करके छन के रखने के लिए एक अच्छा सा था मुझे तो पसंद आया था लेके आई थी और फ्रेंड्स आप लोग को ये बता देती हूँ कि मुझे किचन को सेट करना है जैसे कि वो छोटा मोटा जो अलग अलग कलर का डब्बा है ना वो थोड़ा बहुत पुराना मतलब बहुत पुराना हो गया है तो मैं सोच रही हूँ उसे चेंज करूँ तो आप लोग बताइए कि कैस वो चेंज करूँ तो कैसा लगेगा और आप लोग एक एक, कर, एक ही कलर का सेट करूँ या अलग अलग कलर का सेट करूँ आप लोग जरूर कमेंट करके बताएं और अभी जा रही हूँ साबुदाना के खीर बनाने के लिए तो खीर बनाने के लिए पहले वो थोड़ा सा चीनी डाल के उसको मेल्ट कर देती हूँ ताकि कलर अच्छा आए और मिल्क मेड तो मैं डालती हूँ लेकिन उसमें से क्या होता है थोड़ा सा अलग कलर आता है आप इस तरह करते हो ना थोड़ा सा अलग आता है तो उसके लिए थोड़ा सा मिल्क मेड भी डाल दी थी चीनी और साबुदाना भिगा के रखी थी उससे भी डाल दी थी दूध भी डाल दी थी तो उसी हिसाब से साइड में रख दी और सोची कि गेलू थोड़ा सा बोल रहे थे कि गुलाब जामुन बनाने के लिए पर मेरी मन मतलब ऐसा था कि मैं रसगुल्ला बनाऊँ पर नहीं हुआ था फिर नेक्स्ट ब्लॉग जो आएगा तो उसमें आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्योंकि एक दिन दिवाली होता है दिवाली के बाद नया साल होता है यहाँ नया साल की एक दिन के बाद भाई भाई दूध रहता है तो उसी हिसाब से भाई दोस्त तो मतलब सब जाते हैं सबके घर में घूम के आते हैं पर हमारा तो ऐसा वहाँ नहीं फिर भी जाऊँगी और गुलाब जामुन बना दी थी और साइड में जसनी में डाल दी थी तो नया साल के दिन मैं बनाऊँगी गुलाब ज... रसगुल्ला तो देखिए अभी खीर तो होने को आया है और घी थोड़ा सा डाल के काजू और किशमिश को अच्छे से भून लेती हूँ ताकि उसका जो टेस्ट है और उसका जो स्मेल है ना मुझे बहुत पसंद है और खास करके अमूल घी अमूल नहीं समूल घी शमूल घी जो आता है ना उसका जो स्मेल आता है ना मुझे बहुत पसंद है खास करके मुझे सूजी का हलवा और रोटी में अगर लगा के खाती हूँ ना मुझे बहुत पसंद है वो सब चीज़ तो देखिए फ्रेंड्स अभी दाल को तड़का लगा देती हूँ जैसे कि राई जीरा प्याज डाल दी थी अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल रही हूँ ताकि मुझे और कोई चीज़ नहीं डालना पड़ेगा और डाल भी हो गया था तो उसमें डाल दी थी और क्योंकि पहले ही मैंने दाल चावल उसे बना के रखी थी और ये आलू का भुजिया बना रही हूँ आज पूरी तरह से मैं सादा खाना बना रही हूँ हर साल में दिवाली के टाइम कुछ ना कुछ अलग बनाती हूँ लेकिन इस साल में को कोई भी दूसरा कोई चीज़ नहीं बना रही हूँ क्योंकि ऐसा होता है ना मुझे मैं खुद बना तो लेती हूँ लेकिन वो चीज़ मुझे फेंकना पड़ता है कोई चीज़ खा भी नहीं सकती हूँ और वो लोग थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं और मैं घर पे रहती हूँ तो मुझे कम मन होता है तो खा लेती हूँ पर ऐसा नहीं होता है तेल तलती हूँ ना तो पूरा उसकी मतलब ऐसा लगता है कि मेरा पेट भर गया है कोई चीज़ मन नहीं होता है खाने को तो बस इसीलिए इस बार मैं साधा पूरी साधा खाना बनाई हूँ और ये चीज़ तो घर में सबको पसंद है इसीलिए मैं आलू को इसी तरह मतलब जो वेट बनाती हूँ ना चावल को पीस के उसी में से मसाला वगैरह डाल के ऐसे इसी तरह तवा में फ्राई कर लेती हूँ आलू को उससे अच्छा जो हम लोग बनाते हैं ना तेल में तलते हैं उससे अच्छा कि इस तरह के अच्छा रहे और मुझे ये बाकी था जैसे कि भाजी को बनाना बाकी था पर मैं सोची कि काट के सब कुछ ठीक करके रेडी करके रखी हूँ सिर्फ खाने से दस पंद्रह मिनट पहले उसको बनाऊंगी तो बस मैं अपने खुद तैयार हो गई थी हाथ मुँह धो के और कृष्णा ने दिया लगा दिए थे बाहर लेके तो मैं फिर से एक दूसरा एक तो मतलब लेके आए थे शाम को कि बनाई होगी कि नहीं वो घर पे नहीं थे तो उनको उतना पता नहीं था तो फिर से एक तोरण लेके आए थे फिर से मैंने लगा दी थी तो और फूल भी एक्स्ट्रा फूल जैसे कि खुला वाला फूल भी लेके आए थे तो इस दो दिन तो मैं ज़्यादातर मैं बहुत ज़्यादा फूल यूज़ करती हूँ और मुझे बहुत ही पसंद है जैसे कि सावित्री गेंदा फूल और गुलाब फूल तो मुझे बहुत पसंद है उसका ये रेस्टोरेंट तो सब कुछ मैंने इसमें रख दी थी तो देखिए और दियावती में कर लेती हूँ पूजा घर पे हो जाएगा ना तो मैं बाहर भी जाके रंगोली बना के लगाऊंगी लेकिन पहले मैं घर पे पूजा करती हूँ कहीं भी जाओ आप पहले बाहर भी मंदिर क्यों ना जाओ लेकिन पहले आप अगर घर पे पूजा दियावती करके जाते हो ना तो सही रहता है क्योंकि हम लोग बाहर जाके पहले पूजा करके घर आके बाद में पूजा करेंगे ऐसा तो नहीं होता है तो फ्रेंड्स यहाँ ऐसा है ना हम लोग लो बहुत दूर रहते हैं ये जैसे कि हम लोग गुजरात में रहते हैं। तो उसी हिसाब से हमारा यहाँ कोई उतना नहीं रहता है फैमिली तो हम लोग ऐसे करते लेकिन लेकिन हमारी ये कल्चर है ना जैसे कि ये दिवाली दिवाली हमारा पुराना जैसे कि पितृ श्राद्ध देते हैं ना उसी हिसाब से हम लोग हमारी कल्चर थोड़ा सा अलग है लेकिन मैं तो यहाँ हूँ उसी के ज, जैसे कि हम लोग गांव में मानते हैं वो चीज़ मैं आप लोग को नहीं नहीं दिखा पाती हूँ लेकिन कोशिश करूँगी अगले साल अगर मैं गांव जा पाई तो उस टाइम में आप लोग को दिखाऊँगी उन उ, दिवाली के टाइम कुछ अलग होता है जैसे कि सब खान पीन या घर पर जो मेहमान आते हैं या जो भी पितु साथ देते हैं उसी दिन तो बहुत ही कुछ अलग रहता है तो मैं रंगोली बना रही थी लेकिन जैसे कि ऊपर मैंने रंगोली बनाई ना लक्ष्मी माँ की मतलब प्रतिमा में उस पर छापी थी पर वो जैसे कि ऊपर से दाना दाना हाथ में अगर बनाऊँगी तो नहीं हो पाएगा बहुत टाइम लगेगा तो उसका जो छाप है ना उसे लगा दी थी और चारों तरफ में मुझे जो मतलब हुआ उस टाइम उसी हिसाब से मैंने रंगोली बना दी जो मुझे चाहिए था उसमें डेकोरेट करने के लिए चीज़ वो मैं नहीं लेके आई थी और याद था पर मैं सोची थी कि बाद में लेके आऊँ पर नहीं लेके आई तो बस जितना मुझे लगा उसी हिसाब से मैं बना दी और फूल थोड़ा बहुत बाकी था मतलब जो थोड़ा बहुत मतलब मुरछा गया होगा तो वो फूल को मैंने ऐसे फेंकने से अच्छा कि इसी तरह डेकोरेट करूँ तो बहुत ही अच्छा लगेगा तो उसी हिसाब से मैंने चारों तरफ पहले और थोड़ा सा जो पीला फूल है ऑरेंज टाइप का वो पहले लगा दी और उसके चारों तरफ मैंने पीला फूल दूसरा लगा दी तो ये सावित्री फूल है और ये सावित्री फूल मुझे तीनों टाइप का से मुझे सबसे ज़्यादा पर्पल कलर का मुझे पसंद आता है पर वो उतना यहाँ नहीं मिलता है बहुत ही कम मिलता है कभी और मिलता है तो बहुत कम मिलता है तो बस ये सब डेकोरेट हो गया है और दिया भी इसमें इस लगा देती हूँ ताकि अच्छा रहे और मैं ये जो बेड शीट आई थी खास करके दिवाली के लिए तो मैं सोची कि अगर लेके आई हूँ तो क्यों ना डालूँ और अच्छा भी लगेगा देखने के लिए सब चीज़ अगर नया कर रही तो ये भी कर देती हूँ तो सर मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि देखिए ये कलर आप लोगों को कैसा लगा जरूर बताइए ये दोनों खटिया के अंदर ही आ गया था पर थोड़ा सा ऐसे हो गया था अगर मैं दोनों खटिया के डालती तो हो जाता पर साइड में तीसरा खटिया है ना वो साइड में वो बैठने वाला तो वो रह जाने की वजह से इस साइड थोड़ा सा बस गया था तो देखिए ये तकिया का कवर बहुत ही अच्छा था उस ये कॉटन का बेडशीट है और मैं ज़्यादातर कॉटन का ही यूज करती हूँ क्योंकि अभी मतलब धूप या गर्मी थोड़ा लगेगा ना तो दूसरे कपड़ा होता है ना थोड़ा सा हट रहता है लेकिन कॉटन का कपड़ा अगर आप यूज़ करते हो तो वो थोड़ा सा अच्छा रहता है तो देखिए बाहर बाहर तो कब से मैं बाहर बैठ के रंगोली बना रही थी ना उसी टाइम से मतलब फटाका जला रहे मतलब तब से जल रहा है ये सब चीज़ें अच्छा नहीं है लेकिन गेलू को कितना भी मैं सोच रही थी उसे दूर रखूँ वो बाहर दूर रहता है लेकिन पास में जाके देखने लगता है क्या कर सकते हो उसको कितना भी बोलो उसको कोई समझ में नहीं आ रहा है तो देखिए उसको अच्छा लग रहा था सबको दिखा रहा था कि ये है वो है तो बाहर ऐसे बहुत सारा ऐसा था बहुत ही अच्छा था पर अगले साल सब फैमिली साथ में थे तो अच्छा लगा था पर इस साल नहीं है वो लोग नहीं आ पाए तो एक ही फटाका से पूरा का पूरा लाइट गया मतलब वो जो वाइब्रेशन हुआ था ना वो वाइब्रेशन की वजह से पूरा लाइट हमारा चला गया था फिर मतलब फ्यूज के पास से वो लाइट मतलब कट मतलब जल गया था फ्यूज से फिर उसको ठीक करने के लिए एक दो घंटा लगा तो मैं भाजी बनाई तो उसका मतलब नहीं दिखा पाई फिर लास्ट में मुझे एक बहुत ही थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ तो देखिए मेरा तो रात का सबके लिए खाना निकाल देती हूँ तो फ्रेंड्स ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा जरूर बताइए और कमेंट करके ज़रूर बताइए और मैं ये वीडियो को यहीं पर रखूँगी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप सबको दिल से थैंक यू और धन्यवाद देती हूँ